अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फार्मासिस्ट ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्राइसिल टैबलेट, ट्राइसिल प्लस टैबलेट एंड ट्राइसिल सिरप के अबाउट। इसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स सब आपके साथ डिस्क्राइब करूंगी। सो वो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स अबाउट योर हेल्थ इन्फॉर्मेशन। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। सो ट्राइसिल टैबलेट क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या है? ये स्टमक के पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनके लिए जिनका स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है, जिनके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और उनकी इंडाइजेशन होती है, स्टमक अपसेट रहता है, अल्सर है। और ट्राइसिल टैबलेट के अंदर दो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम दोनों ही एंटीसीडेंट जो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। जो ट्राइसिल प्लस टैबलेट है उसके अंदर जो एक इंग्रेडिएंट उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, सेमीटाइकोन, वो भी यूज़ करते हैं एंटीसीड के लिए, और इससे सीने की जलन और अल्सर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये एक च्यूएबल टैबलेट है, यानी आप अपने खाने के बाद पहले तो आपने अपने फिजिशियन या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये टैबलेट यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रग इंट्रेक्शंस हो सकते हैं। सो इसकी इंडिकेशंस में ये है कि ये एक च्यूएबल टैबलेट है, यानी कि खाने के बाद आपने इसको थोड़ी देर स्लोली चबाना है, उसके बाद प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। सो इसकी डिटेल्स स्टार्ट करते हैं ट्राइसिल टैबलेट, ट्राइसिल प्लस टैबलेट और ट्राइसिल सिरप के अबाउट। ट्राइसिल टैबलेट, इसके इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि ये जो जिनको बहुत ज़्यादा स्टमक एसिडिटी रहती है, उनका स्टमक अपसेट रहता है, हार्ट बर्न रहता है, और जिनके स्टमक में बहुत ज़्यादा तेजाबियत होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो दो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है रिलीफ हार्ट बर्न से, जिनका पेप्टिक अल्सर होता है उनके लिए, और प्रमोट करता है हीलिंग करने में पेप्टिक अल्सर की। और जो मैग्नीशियम इसमें यूज़ किया गया है, वो लोअर करता है हमारे स्टमक में से एसिड को। टैबलेट की फॉर्म में ये टैबलेट यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ टैबलेट हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड एंड एसिड यानी कि सिरप इससे ज़्यादा बेटर है टैबलेट से। यानी कि अगर आप ट्राइसिल की टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो ट्राइसिल का सिरप प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू ट्राइसिल टैबलेट। इसे यूज़ कैसे करना है, अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको स्वेलो करने से पहले, यानी खाने से पहले उसको थोड़ा सा चबाना है, थोरली चबाना है। उसके बाद अगर सस्पेंशन इसकी यूज़ कर रहे हैं, यानी सिरप यूज़ कर रहे हैं, तो बोतल को अच्छे से शेक करना है। उसके अलावा आपने इसको उस बोतल को रेफ्रिजरेट करके यूज़ करना है, ताकि उसका जो टेस्ट है वो अच्छा आए, लेकिन फ्रीज़ नहीं करना, जस्ट रेफ्रिजरेट करना है। सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, अगर आप कुछ लोग हैं जिनके साथ इनका एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेडेक वगैरह हो सकता है, क्योंकि जिसमें मैग्नीशियम यूज़ किया गया है वो डायरिया करवाता है, यानी कि पानी की कमी हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह सारा कुछ। सो फिर अगर आपने मेडिसिन लेनी है, तो इसके साथ पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि आपको डायरिया ना हो। मैग्नीशियम के साथ एल्युमिनियम इसीलिए ही कम्बिनेशन में दे रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ओवरकम करता है, कंट्रोल करता है डायरिया की कंडीशन को, लेकिन एल्युमिनियम का भी साइड इफ़ेक्ट है कि वो कॉन्स्टिपेशन करवाता है, यानी कब्ज़ करवा देता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे, तो फिर आपके कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों के प्रॉब्लम से आप ओवरकम हो सकते हो। अगर आपका डॉक्टर आपको ये रिकमेंड करता है खाने को मेडिसिन, तो ऑब्वियसली उसने जज किया होगा कि आपकी ये टैबलेट आपके साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा आपकी सेहत में हेल्प कर रही है, यानी बेनिफिट्स आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको इससे ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो आप फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि आपको शैलो ब्रीथिंग होगी, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी, बहुत ज़्यादा पेन होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन। उसके अलावा अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, रैश, इचिंग, टंग, डीजीनेस, या फिर ट्रबल ब्रीथिंग, यानी आपको सांस सही तरीके से नहीं आ रहा, आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, सो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है ट्राइसिल प्लस टैबलेट में, सेमीटाइकोन, ये हेल्प करता है स्टमक ऑफ एक्स्ट्रा गैस, रिलीफ करता है सिम्टम्स ऑफ एक्स्ट्रा गैस सच एज
ब्लीचिंग, ब्लोटिंग एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक गट, यानी कि जब हमारे स्टमक के गट में या हमारे पेट में हमारे बॉडी में जब बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है एंटी एसिड की वजह से, एसिडिटी की वजह से, तो ये एज अ एंटी एसिड वर्क करता है और ये ब्लोटिंग वगैरह से प्रिवेंट करता है। अल्लाह हाफिज़।